हेलो चिल्ड्रन, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 इंडियन साइंस एंड लोकेशन। ये चैप्टर मैंने आपका स्टार्ट किया था, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर बहुत छोटा है तो आज के वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ज़्यादा है नहीं, बस इंडिया साइंस और लोकेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें की गई है। नेक्स्ट टॉपिक में इंडिया आपके नेबर्स की बातें की गई है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। बाकी और इस चैप्टर में कुछ है नहीं, चैप्टर बहुत छोटा है तो मतलब आपको तैयार करने में बड़ी आसानी होगी और क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। आपके ज्योग्राफी का यही एक आप चैप्टर तैयार कर लीजिएगा। आपका पता होना चाहिए आपको कि जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट यूनिट का, तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 आएगा ज्योग्राफी से, इसलिए आप मेरे साथ ही तैयार कर लीजिए इस चैप्टर को। क्लियर? तो कल डिस्कस कर रहे थे इंडियन साइज के बारे में, मैंने बताया था इसका लेंथ ब्रेथ वगैरह, साथ ही आपको लैटिट्यूड लैंगिट्यूड वगैरह में बताया, आर्कटिक सर्किल क्या है, नॉर्थ साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्किल क्या है, ये सब डिस्कस किया था। इंडिया का लोकेशन डिस्कस किया था, कितने डिग्री कितने मिनट से कहाँ तक ये फैला है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ईस्ट वेस्ट में क्या है, ये सब मैंने पिछले टर्म पर डिस्कस किया। इंडियन साइज वगैरह भी डिस्कस किया था। आपको मैं ग्लोब पे एक होमवर्क सेंड किया था, आपने ग्लोब पे होमवर्क किया है, कुछ बच्चों ने पिक्चर भी बनाया है ग्लोब का, बहुत अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा होमवर्क्स आपने किए हैं। तो आज इस चैप्टर को आइए फिनिश करते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं सिविक्स स्टार्ट कर दूंगा, उसका भी चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दूंगा। तो 3 हिस्ट्री से, 1 ज्योग्राफी से और 1 सिविक्स से, यानी 5 चैप्टर आपके एसएसटी के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आप उसका पूरी तरह प्रिपेयर कर पाएंगे। क्लियर? आइए, कल मैं आपका छोड़ दिया था लाइन बॉर्डर और कोस्ट बॉर्डर, कोस्ट लाइन पे क्या होता है। देखिए, लाइन बॉर्डर क्या होता है, ये लाइन बॉर्डर जहाँ तक इंडिया का पूरा पार्ट है, ये सब, ये अंडमान वंडमान ये सब लिया जाएगा, ये सब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सारा मतलब ये जो पूरा एरिया है, इस तरह का एरिया, ये पूरा एरिया है आपका लाइन बॉर्डर, जो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, यानी ये पूरे इंडिया का आपका लाइन बॉर्डर है, यहाँ तक इंडिया फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा कोस्ट लाइन क्या होता है, कोस्ट लाइन मीन्स यही बस इतना ही, जहाँ जहाँ ये लाइनिंग है बाउंड्री, इतना ही, यही कोस्ट लाइन है। ये कोस्ट लाइन निश्चित तौर पे उससे कम ही होगा, क्योंकि वो तो पूरा है, लेकिन ये केवल कोस्ट लाइन है जहाँ जहाँ तक ये गया हुआ है। तो ये आपका है 7,516 किलोमीटर इंडियन ओशियन से, मतलब इंडियन ओशियन से अगर मैं इस बॉर्डर लाइन को लूँ, कोस्ट लाइन को, तो ये 7,516 किलोमीटर है। जबकि अगर मैं पूरे लाइन बॉर्डर को लेता हूँ तो वो लाइन बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा है, 15,200 किलोमीटर। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा इस पॉइंट को इंडिया के बारे में, मतलब आपने जान लिया इंडिया का साइज, इंडिया का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ ईस्ट में कितना है, साउथ में कितना है, वेस्ट में क्या है, ये सब आप जान लिए हैं। आइए आपका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और उसके पड़ोसी। आपको पता है इंडिया के नाम पर ही जो नीचे इसका इंडियन ओशियन है, वो इंडिया के नाम पे ही इसे इंडियन ओशियन का, यानी हिंद महासागर, तो इसके साउथ में इंडियन ओशियन है। क्लियर? अगर मैं इस साइड जाऊं, यानी सिंपल मैं कहूं तो वेस्ट साउथ साइड में या साउथ वेस्ट साइड में, तो यहां है आपका अरबियन सी, अरबियन सी में ही आपका एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसे आप लक्षद्वीप कहते हैं, नाम सुना भी होगा। तो लक्षद्वीप कहाँ है, अरबियन सी में, इसे इंडस में मत मान लीजिएगा, यानी इंडियन ओशियन में ये नहीं है, ये कहाँ है, अरबियन सी में। अरबियन सी कहाँ है, साउथ वेस्ट पोजीशन पे। क्लियर? तो इंडिया के साउथ वेस्ट में क्या है, अरबियन सी, इंडिया के साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन, और इंडिया के ईस्ट साउथ रीजन में है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ है एक और आपका बड़ा आइसलैंड, और वो आइसलैंड है अंडमान निकोबार का। तो आप देख सकते हैं इंडिया किसी भी कंट्री के लिए, ट्रेडिंग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है भैया। नीचे इंडस है, साइड में अरबियन सी, दूसरे साइड में बे ऑफ बंगाल है, अब सोचिए कितना अच्छा ये लोकेशन है ट्रेडिंग के लिए, इसीलिए एशिया का ये सबसे बड़ा मार्केट कहलाता है। बाकी इधर जो साइड है ये तो पड़ोसी हैं, कई देश यहाँ सब इधर उधर बसे हुए हैं, बट नीचे लेकिन ये पूरी तरह यहाँ सीज हैं, और आप सोच सकते हैं सी होने से इसका कितना इम्पॉर्टेंट होगा हर एक देश के लिए। क्लियर? आप वर्ल्ड मैप उठाओ, वर्ल्ड मैप रखो सामने, इंडिया का मैप दोनों ओपन करके रखा करो, वर्ल्ड मैप भी रखो। क्लियर? आप देखो यहां जो कंट्रीज है उन्हें यहां जाने के लिए, एक तरह से समझो ये इंडिया उनका एक आइसलैंड का काम करता है, और आइसलैंड के काम करने की वजह से इंडिया को बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री है इंडिया, बहुत फायदा उठाता है इससे।
क्लियर है। तो ये रहा इंडिया के कुछ लोकेशन, उसके साइज के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं इसके नेबर्स के बारे में। आप इंडिया का मैप उठाइए, इंडिया के मैप में देखिए, तो इंडिया के साउथ में यहाँ जस्ट नीचे है आपका श्रीलंका। श्रीलंका की बाउंड्री टच नहीं है हमसे, बाउंड्री नहीं है उसकी हमसे टच, यहाँ है आपका श्रीलंका। और यहाँ देखिएगा तो यहाँ है एक और देश जिसे आप मालदीव कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदीव। यानी इंडिया के साउथ में दो नेबरिंग कंट्री है, फर्स्ट वन श्रीलंका और सेकेंड वन मालदीव। आगे बढ़ूँ, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, यानी नॉर्थ और वेस्ट रीजन में, यहाँ है आपका पाकिस्तान। आप जानते ही हैं पाकिस्तान कभी इंडिया का ही एक पार्ट रहा है, वो इंडिया से ही अलग होके बना है। तो वो है पाकिस्तान, जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है जम्मू कश्मीर का, जिन्हें हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ है ऊपर जस्ट आपके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का थोड़ा बॉर्डर हमारे साथ लगा है, बॉर्डर लगा है। ये बॉर्डर 106 किलोमीटर है। अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं, इंडिया के जितने नेबरिंग कंट्री हैं उसमें सबसे कम बाउंड्री शेयर करने वाला कंट्री कौन है, तो आप कहिएगा अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर ओनली, 106 किलोमीटर। क्लियर, सबसे कम बाउंड्री उसी से हमने शेयर किया है। यहाँ टच है थोड़ा सा अफगानिस्तान, और ये आपका पाकिस्तान ही है। इंडिया के टोटल नेबर कितने हैं? तो 9 नेबर हैं, 9 पड़ोसी राष्ट्र हैं। 9 पड़ोसी हैं। तो 4 तो आपको बता दिया, यहाँ हो गया आपका कौन सा हो गया, यहाँ श्रीलंका हो गया, यहाँ मालदीव हो गया, यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आइए चलते हैं नॉर्थ रीजन में, यानी यहाँ। तो नॉर्थ रीजन में इंडिया के 3 पड़ोसी हैं, चाइना, नेपाल, भूटान। आप देखते होंगे नेपाल में, वर्ल्ड मैप देखो तो यहाँ छोटा सा नेपाल बना है, यहाँ भूटान बना है, दोनों देश आसपास है, और ये तो पूरा चाइना ही है। क्लियर, तो इंडिया के नॉर्थ में 3 पड़ोसी, चाइना, नेपाल और भूटान। क्लियर, लास्ट वन ईस्ट में, तो ईस्ट में 2 पड़ोसी हैं। 2 पड़ोसी कौन से? ये आपका बांग्लादेश है, आप जानते ही हैं बांग्लादेश, और यही आपका है म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार, ये पूरा बांग्लादेश है ना, ये पूरा बांग्लादेश है, ये पश्चिमी बंगाल का रीजन है, और ये क्या है? बांग्लादेश। आप देखिए मैप में, ये बांग्लादेश और ये क्या है? म्यांमार। 2 साउथ में, 2 नॉर्थ वेस्ट में, 2 आपके ईस्ट में, और 3 आपके हो गए नॉर्थ में। ये है 9 पड़ोसी राष्ट्र आपके भारत के। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश, यानी समाप्त। क्लियर, आपका चैप्टर खत्म हो गया। यही इंडिया है, इंडिया के आपके पड़ोसी राष्ट्रों को आपने जाना, उसके कुछ पॉइंट्स को जाना। क्लियर है, तो आपने जान लिया इंडिया के बारे में। तमाम पॉइंट मैंने डिस्कस किया, इसका साइज डिस्कस किया, एरिया डिस्कस किया, लैंड एरिया, लाइन बॉर्डर, कोस्ट बॉर्डर, आपका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसे टॉपिक डिस्कस किया, साथ ही आपके नेबर्स कंट्री बताया, 9 नेबर्स कंट्री है। आइए अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के आपके क्वेश्चंस को, जो आपको करना है। पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग इन द अरबियन सी। अरबियन सी में कौन से आइसलैंड है, उनका नाम लिखना है, इजी क्वेश्चन। सेकेंड वन, विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ कोस्ट, साउथ ईस्ट में कौन सा आइसलैंड है, डिस्कस कीजिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को। इजी क्वेश्चन, साउथ ईस्ट में आप बता सकते हैं आइसलैंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। नाम बताइए उन कंट्रीज का जो इंडिया से बड़े हैं। मैंने बताया था एरिया में 7वें नंबर पे इंडिया है, और फर्स्ट नंबर पे रसिया है। पॉपुलेशन में हम 2रे नंबर पे हैं, फर्स्ट वन चाइना है। तो दोनों आपको बताना है, पॉपुलेशन में भी बताना है और एरिया में भी बताना है। क्लियर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वाई उसका कारण बताइए, वाई रीजन बताइए, आप उसका आंसर दीजिए। मैं जान रहा हूँ वीडियो थोड़ा क्लियर आया नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस मैं खुद बोल दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, पिक्चर पे नहीं। कैमरे में थोड़ा डिफॉल्ट हो गया, मैं पास नहीं कर सकता उसको, सही नहीं हो रहा है, तो देख लीजिए फिर से क्वेश्चन। नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग इन द अरबियन सी, विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई,
ये चार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट बुक एक्सरसाइज, यानी आपके बुक में कई सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए अपने बुक में ही। आपका ये चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। बहुत छोटा चैप्टर था, तैयार करने में बहुत ही आसान होगा। क्वेश्चन किसी प्रकार के कहीं से भी बने, आप बड़े आराम से उसको समझ सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, मैंने बताया था इंडिया के 9 कंट्री हैं, नेबरिंग कंट्री हैं, उसमें सबसे कम बाउंड्री वाला आपका अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर है। और सबसे लंबा जो बाउंड्री वाला है ना, वो सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करने वाला बांग्लादेश है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्री बांग्लादेश, सबसे कम बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्री अफगानिस्तान। क्लियर? तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपने देख लिया कुछ इंडियाज़ के बारे में, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं चैप्टर। आपने इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में जाना, आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना, इंडिया के नेबरिंग कंट्री को जाना, ट्रॉपिकल जोन किसे कहते हैं आपने वो जाना, इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सब के बारे में जाना, इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्री के बारे में जाना, और आपने जाना इसके साउथ में कौन सा ओशियन, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ओशियन, तो इधर कौन सा ओशियन, वो सब आपने जाना। ये ओशियन इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये भी आपने जाना। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस चैप्टर से। चैप्टर छोटा होने की वजह से आपको तैयारी करने में बड़ी आसानी होगी, और निश्चित तौर पर आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से टिकल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज, जो मैंने आपके पास क्वेश्चन सेंड किया है, इसे आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके मेरे पास सेंड कीजिए, देखता हूँ कि आपने कितना सही दिया है इसका आंसर, क्या आपने समझा है क्या नहीं समझा है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, कृपया करके वो भी बच्चे आंसर दें, क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूँ पहले भी कि आपका एग्ज़ाम इसी जुलाई में ही होने वाला है, और वो एग्ज़ाम आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा कि किस तरह आपने ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ा है और उसे समझा है। क्लियर? तो आपका हिस्ट्री का 3 चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया था, ज्योग्राफी का मैंने 1 चैप्टर फिनिश कर दिया। कल मैं आपके सिविक्स का स्टार्ट करूंगा, सिविक्स भी कोशिश करूंगा कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो सिंपल आपका 5 चैप्टर एसएससी का कंप्लीट हो जाएगा, और यही 5 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सो आप तैयारी करिए अपने एग्ज़ाम्स की, और बेहतर कोशिश करिए रिजल्ट देने को एसएसटी का अदर सब्जेक्ट में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के साथ, सिविक्स के साथ। ओके, थैंक यू।